180/19 पंजीकृत हुआ था। उस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उसी के तहत 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत उन सब व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। अब ये जो है आज हम लोग नोटिस चस्पा कर रहे हैं, कल जो है कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। मैं इंस्पेक्टर पिपरी अभय नारायण तिवारी यह घोषणा करता हूं कि थाना पिपरी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 180/2019 जो 30/9/2019 की घटना है, जिसमें बबलू सिंह चेयरमैन शिव प्रताप सिंह और बबलू सिंह की हत्या हुई थी, इस संबंध में 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में अनिल सिंह, राकेश सिंह, ब्रजेश सिंह, जमुना सिंह, राकेश मौर्य, गांधी यादव, ब्रिकेश सिंह और फिर रवि सिंह, सुधांशु सिंह, और इसमें 5 व्यक्तियों के विरुद्ध, सभी 10 व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जिसमें अनिल सिंह, राकेश सिंह, ब्रजेश सिंह, राकेश प्रसाद तथा जमुना सिंह के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय द्वारा समाधान होने पर कि इन लोगों द्वारा गैंग बना करके अकूत संपत्ति अर्जित किया गया है, जबकि यह देखने में भी और मेरे संज्ञान में आया है कि ये जो बिल्डिंग अनिल सिंह की बनी है वो हिंडालको परिसर में ही बनी है जो अवैध रूप से है। अतः यह बिल्डिंग को कल प्रत्येक दशा में कुर्क किया जाएगा और गाड़गे नगर, फिर विवेकानंद कॉलोनी, फिर उसके बाद खार पाथर, फिर सुप्ती सुआ जगह पर इनके भू भाग है और जमीनें हैं, सभी जमीनें कल कुर्क हो जाएगी। और जो किराएदार है या जो उनके परिजन है उनको मेरे द्वारा आदेशित किया जाता है कि इस बिल्डिंग को प्रत्येक दशा में खाली कर दे, नहीं तो कल कुर्की की कार्रवाई संपन्न की जाएगी।